जय माता दी। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल खाना मुस्कुराना में आप लोग का स्वागत है। अधिकतर व्रत में लोग मीठा खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो हम आप लोग के लिए कुछ रेसिपी लेके आए हैं। वो है सिंघाड़े के आटे का नमकीन। नमकीन बनाने के लिए हमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आइए आप लोग को सामग्री दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या। तो इसमें एक कटोरी ये सिंघाड़े का आटा है, सेंधा नमक स्वादानुसार, एक चम्मच जीरा, गुनगुना पानी और ये तेल। नमकीन बनाने के लिए चलिए इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पड़ता है। ये एक कटोरी आटा है, स्वादानुसार नमक, एक चम्मच जीरा, इसमें मोइन भी बहुत ज्यादा नहीं डलेगा, बस इसमें हल्का सा ही मोइन पड़ेगा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाथों की सहायता से इसको एकदम अच्छे से मिला लेंगे बराबर से। मोइन मिल चुका है और इसको सानने के लिए ये गुनगुना पानी लिए हैं। हल्का सा गुनगुना पानी इसलिए लेते हैं ताकि आटा गूंथने के बाद एकदम सॉफ्ट रहे, कच्चे पानी से इसको नहीं गूंथना है। आटा में मोइन अच्छे से मिल गया है और इसको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें मोइन अब नहीं पड़ेगा। अब इसको धीरे धीरे पानी डालेंगे, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे इसको, ताकि ये जरा सा भी गीला ना हो। जरा सा भी गीला हो जाएगा तो ये नमकीन नहीं बन पाएगा। ऐसे मसलते हुए इसको अच्छे से करेंगे। आटा लगाने के लिए बस छोटे कप से आधा कप गुनगुना पानी यूज किए हैं, देख सकते हैं ये आटा। अब इसको ऐसे ऐसे मसलेंगे, एक से दो मिनट तक इसको ऐसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। आटा देखिए अच्छे से गूंथ लिए हैं और ये थोड़ा टाइट ही रखेंगे, ज्यादा ढीला नहीं रखेंगे। अब इसको जो है एक हल्का सा पानी से भीगा हुआ कपड़ा लेंगे सूती, और इसको थोड़ा सा ढक के रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। आटा रेस्ट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट आटा है। चलते हैं अब इसका नमकीन बेलने। कढ़ाई पहले से रख दिए हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं और अब हम नमकीन का छोटी छोटी लोई काट लेंगे। पहले इस तरह से लोई काट के पहले रख देंगे, उसके बाद हल्के हाथों से इसको थोड़ा ऐसे ऐसे मसलते जाएंगे। और एक प्लेट में सूखा आटा भी ले लेंगे इसमें लगाने के लिए। ये इस तरह से लगा के हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको बेलेंगे। ये बार बार इसको उठाना नहीं है, अपना चकला थोड़ा घुमाते हुए इसको बेलेंगे। ये इस तरह से ये चाय के साथ व्रत में खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए चक्कू की सहायता से इसको एकदम हल्के हाथ से धीरे 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 काटेंगे। इस तरह से जो भी शेप देना हो आप नमकीन का शेप दे सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया नमकीन था कट रही है। और नमकीन काटते समय चाकू का भी ध्यान रखना है कि चाकू एकदम प्लेन होना चाहिए, तभी ये नमकीन अच्छी कटेगी। अब चलते हैं इसको तलते हैं। देख आंच को बहुत तेज नहीं रखना है, मीडियम ही रहेगा आंच।
कलर देखिए हल्का हल्का सुनहरा हो गया। चलिए इसको अब निकाल देते हैं। कलर बहुत अच्छा आया इसका। ये बहुत कम ही तेल में बनता है नमकीन, और देखिए कितना क्रिस्पी है। ये देखिए नमकीन बनके तैयार है। आप लोग अपने अपने घर में इसको जरूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। धन्यवाद।